उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर बुधवार यानी आज वोटिंग जारी है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदाताओं से वोट डालने की अपील की है, साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी मतदाताओं से खास अपील की कि अपने भविष्य और संविधान के प्रति वचनबद्ध रहते हुए वोट डालने जरूर जाएं। सीएम योगी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि यूपी की मीरापुर, गाजियाबाद, कुंद्रू की खैर, करहल, सीतामऊ, कठेरी, मझवान और फूलपुर विधानसभा सीटों पर आज मतदान होने जा रहा है। सभी सम्मानित मतदाताओं से अपील है कि उत्तर प्रदेश के विकास को जारी रखने के लिए और मजबूत करने के लिए मतदान जरूर करें। 25 करोड़ प्रदेशवासियों के जीवन में व्यापक एवं सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए एकजुट होकर वोट करें। ध्यान रहे, पहले मतदान फिर जलपान। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां के मतदाता भविष्य को लेकर अपना वोट डालने जरूर जाएं। आगे लिखा कि परिणाम तभी आते हैं जब एक भी वोट ना बटे और ना घटे। जागरूक मतदाता वोट करने के लिए घर से निकल रहे हैं। उम्मीद है कि निर्वाचन आयोग उप प्रशासन निष्पक्ष चुनाव करवाएगा कि उत्तर प्रदेश के मतदाता उन्हें धन्यवाद और बधाई देंगे। सपा प्रमुख ने आगे लिखा कि निर्वाचन आयोग और प्रशासन इस तरह से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराए कि उत्तर प्रदेश के समस्त मतदाता उन्हें धन्यवाद दें। चुनाव में गड़बड़ करने वाले ध्यान रखें। मतदाता व समस्त राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता व पदाधिकारी अपने मोबाइल के साथ हर जगह समस्त सबूत इकट्ठा करने के लिए तैनात हैं, जिससे कल को वैधानिक कार्रवाई करने का ठोस आधार बन सके। जनता की चेतना ही चेतावनी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर कुल 90 प्रत्याशियों ने अपनी किस्मत आजमाई है। यूपी उपचुनाव में 36 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और अपना विधायक चुनेंगे। यूपी में जिन 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मुरादाबाद की कुंद्रू की, अम्बेडकर नगर की कठेरी, मैनपुरी की करहल, प्रयागराज की फूलपुर और मिर्जापुर की मझवान सीट शामिल है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव पर समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि ईमानदारी से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत सकती। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। बंटवारे की नीतियों के चलते सभी लोग दुखी हैं। अशांति में नुकसान सभी का होता है। रुझान समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। लगभग सभी सीटें हम जीतेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि मीरापुर में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी अरशद राणा का आरोप है कि प्रशासन उन्हें वोट नहीं डालने दे रहा। उन्होंने कहा कि मेरे साथ जौली में पुलिस ने बदतमीजी की, एक तबके को टारगेट किया जा रहा है। प्रमाण पत्र ऐसे ही दे देते चुनाव की क्या जरूरत थी। अरशद राणा ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने उपचुनाव को मजाक बना दिया। ओवैसी की पार्टी का रेला देखकर घबरा गए हैं कि पतंग सभी को लेना उड़े। पतंग को वोट डालने वालों को टारगेट किया जा रहा है। यूपी सरकार उपचुनाव में डरी हुई है। विकास की गंगा बहाई है तो फिर क्यों डरे। साथ ही आपको बता दें कि गाजियाबाद सदर सीट पर भी 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। आज उनकी किस्मत का फैसला EVM में कैद हो जाएगा। गठबंधन के उम्मीदवार सिंह राज जाटव ने भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि बूथों पर मतदाता कम नजर आ रहे हैं, जो चिंताजनक है। मेरी सभी से अपील है कि अगर वो अपने घर पर हैं तो वोट डालने जरूर आएं। उन्होंने पोलिंग बूथ पर मतदाता न आने की वजह छुट्टी न होना भी बताया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।